अमरनाथ गुफा अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस वीडियो में हम अमरनाथ गुफा से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो अमरनाथ को दुनिया का सबसे पवित्र और अलौकिक धाम बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, अमरनाथ गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अमरनाथ गुफा 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस गुफा का संदर्भ महाभारत और पुराणों सहित कई प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। नंबर दो, गुफा स्वयं प्राकृतिक झरना है। यह गुफा स्वयं निर्मित है, यानी इसका निर्माण खुद से हुआ है, जो हिमालय में लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बर्फ से बनी हुई है, जो एक स्टेलिग्माइट संरचना बनाता है, जिसे शिवलिंगम के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है और ये अपने आप में अद्भुत है। बर्फ से बना हुआ यह शिवलिंग दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, और बर्फ की संरचना से बना यह शिवलिंग अपने आप में एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर तीन, मंदिर हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए हजारों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा है। यात्रा आमतौर पर जून से जुलाई के महीनों के दौरान होती है और लगभग 45 दिनों तक चलती है। तीर्थयात्री गुफा तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करते हैं। नंबर चार, अमरनाथ यात्रा को भारत की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक माना जाता है। हर कोई इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहता है और जिस तरह की प्राकृतिक सुंदरता से गुजरते हुए इस यात्रा को लोग पूरी करते हैं, वह भी अपने आप में अद्भुत है। गुफा के अंदर बर्फ का निर्माण अद्वितीय और मनोरम है। ऐसा माना जाता है कि यह एक प्राकृतिक घटना है, जो पानी की बूंदों के कारण होती है, जो गुफा की छत से गिरने पर जम जाती है और बर्फ के रूप में भगवान शिवलिंग का निर्माण करती है। यह तीर्थयात्री के मौसम के दौरान अपने अधिकतम आकार तक पहुंच जाती है और यह धीरे धीरे लगातार बढ़ता जाता है। नंबर पाँच, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताने के लिए इस गुफा को चुना था। कहा जाता है कि उनकी बातचीत की कहानी गुफा की दीवारों पर आज भी अंकित है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिंदू पुराणों में इसका पूरी तरह से वर्णन मिलता है। नंबर छः, अमरनाथ गुफा मंदिर की खोज 15वीं शताब्दी में बूटा मालिक नामक एक मुस्लिम चरवाहे ने की थी। हालांकि गुफा की तीर्थयात्रा कई शताब्दियों तक निलंबित रही। आधुनिक युग में 1850 में महादेव अंबरदार नामक एक कश्मीरी पंडित द्वारा इसे फिर से खोजा गया था और तब से यह मंदिर और इसकी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। नंबर सात, अमरनाथ यात्रा अपनी कठिन यात्रा के लिए जानी जाती है, जो तीर्थयात्रियों की शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति का परीक्षण करती है। गुफा तक जाने के रास्ते में ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर ट्रैकिंग करना, ग्लेशियरों को पार करना और कठोर मौसम की स्थिति को सहना है, जो कि एक इंसान की सहन शक्ति को दिखाता है। नंबर आठ, अमरनाथ यात्रा विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ पर कई ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जो हिंदू तीर्थयात्रियों की सहायता करते हैं, समर्थन करते हैं और उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं। नंबर नौ, गुफा के अंदर बर्फ का जो शिवलिंग निर्माण होता है वह धीरे धीरे कम हो जाता है और तीर्थयात्रा का मौसम समाप्त होने के बाद गायब हो जाता है। बर्फ़ के पिघलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू होती है और सितंबर तक गुफा पूरी तरह से खाली हो जाती है और सर्दी शुरू होते ही बर्फ़ के शिवलिंग का निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। यानी कि यह हर साल शिवलिंग अपने आप बनता है और अपने आप गायब हो जाता है, जो अपने आप में एक अलौकिक दृश्य है। नंबर दस, अमरनाथ गुफा मंदिर एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका प्रबंधन भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड तीर्थयात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है, आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है और क्षेत्र की पवित्रता और पारिस्थितिक संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए भी उपाय करता है। अमरनाथ गुफा मंदिर उन लाखों भक्तों के लिए गहरी श्रद्धा और आध्यात्मिक महत्व का स्थान बना हुआ है, जो भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के लिए चुनौतीपूर्ण यात्रा करते हैं। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा अपने आप में अद्भुत है और भगवान शिव की आराधना का मूल प्रतीक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।